क्या कुछ हुआ आज दिन भर में? बयान हुआ मेरा, कोर्ट में हो गया बयान। क्या कुछ बयान हुआ? सब जो हुआ हो गया, मुझे कोर्ट पे भरोसा है। अच्छा, आपको लगता है कि कब तक आपको इंसाफ मिल पाएगा? जब मिलेगा, कोर्ट दिला देगा इंसाफ। अभी आप छोटू के परिवार वालों के साथ ही रहेंगी? जी। आगे क्या कुछ सोचे हैं आप? कुछ आश्वासन भी मिला है आपको? मिला है। क्या मिला है? अच्छा, अभी आप जहाँ पे रह रही हैं, छोटू के घर पे, उनके परिजन का ये कहना है कि आपके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है। कराया जाए वो? हाँ, नहीं कराई गई है, सही तो बात। क्या आप क्या मांग करते हैं? कराया जाए। करानी चाहिए, मतलब आपको अभी भी खतरा आपके ऊपर लग रहा है? जी। आपके जो परिवार वाले हैं, उन्होंने आपसे कोई संपर्क बनाने की कोशिश की है क्या? नहीं। अभी आप आए थे कोर्ट में, तो हमें पता चला कि आपके जो परिवार वाले हैं, उनके तरफ से कोई लोग आए हुए थे जो आपको कुछ अनाप शनाप बोल रहे थे? नहीं, हमको पता नहीं। आपको पता नहीं चला? सर, आज दिन भर में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? रानीगंज थाना अंतर्गत 228 केस दर्ज किया गया था हत्याकांड का। छोटू यादव और छोटू कुमार यादव उसका पूरा नाम है जी, और लड़की का नाम अर्पिता कुमारी और आरती कुमारी है। दोनों के प्रेम प्रसंग के मामला को लेकर के ऑनर किलिंग का मामला हुआ था, जिसमें इस घटना का चश्मदीद गवाह आई विटनेस आरती कुमारी है जी। उसका प्रिय पदाधिकारी के निर्देशानुसार 164 का बयान मंडल न्यायालय में दर्ज कराया गया है। तो सर, आरती कुमारी इस वक्त जो है, मतलब वो जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार वाले के ही साथ रह रही हैं? हाँ, उनके परिवार वाले के साथ रह रही है, और कोर्ट में भी बयान उनके द्वारा दिया गया है। तो उनके परिवार वालों के साथ है कि क्या उन्हें कोई पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है? उनको उचित सुरक्षा में रखने का कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन। आरती कुमारी का यह मांग है कि हमें पुलिस प्रशासन की जो है वो सुरक्षा दी जाए, और उसके जो छोटू के जो परिवार वाले हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की सुरक्षा हमें दी जाए, लेकिन अब तक कोई सुरक्षा दी नहीं गई है। इसमें क्या कहेंगे सर? इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए है ना, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा आरती कुमारी। अच्छा, जो गिरफ्तारी जो उन लोगों के द्वारा कराई गई थी, वही अभी तक हुई है? उसके हाथ पुलिस के हाथ अभी तक खाली है उस दो को छोड़ के? आगे भी गिरफ्तारी हम लोग का प्रयास जारी है, लगातार छापेमारी हो रही है जी, और बाकी जो भी वांटेड अभियुक्त हैं। कितने वांटेड सर, नामजद कितने? जो भी संलिप्त है इस घटना में, सब कुछ क्लियर हो पाया है कि कितने लोग नामजद हैं? पुलिस अतिशीघ्र गिरफ्तार करेगी। कुछ मामला इसमें प्रकाश डालेंगे सर, कितने लोग इसमें नामजद हैं? 7 लोगों को नामजद किया गया। 7 लोग, जिसमें से 2 की ही गिरफ्तारी हुई है, और वो भी पड़ी, वो भी कहना है कि लड़के के जो घर वाले हैं, उन्होंने ही पकड़ के रखा था। उसमें पुलिस का भी एफर्ट्स है। हाँ, पुलिस का एफर्ट्स है। अच्छा, तो अज्ञात भी है कि सिर्फ नामजद ही है? नामजद, सिर्फ नामजद। तो 5 जो अभी फरार चल रहे हैं, उनके लिए पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? उसको अतिशीघ्र पुलिस हम लोग गिरफ्तार करेंगे। लड़की के सुरक्षा के लिए आगे क्या कदम उठाएंगे? सुरक्षा के संबंध में बोल ही तो दिया। आज तो देख रहे थे हम लोग, कोर्ट में ही मौजूद थे, तो पता चला कि लड़की के परिवार वाले में से कोई लोग आकर के लड़की को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी। नहीं, ऐसी बात तो हम लोग को प्रकाश में नहीं आई। कुछ लोग भी आए हुए थे जिसके बातों से जो है वो लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। प्रशासन उस वक्त कहाँ थी? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं आया। लड़की ऑलरेडी महिला पुलिस ऑफिसर के निगरानी में हम लोग के समक्ष और उसके कुछ परिजनों के साथ दिन भर मौजूद रही है। कहीं से इस प्रकार की कोई मामला नहीं है। हो सकता है कुछ उठी बातें कहीं से आ सकती है। अभी इनको कहाँ लेकर के जाया जा रहा है? अभी ये कोर्ट में बयान दिया है, और कोर्ट का भी मन न्यायालय का भी गाइड मिला है कि छोटू कुमार के जो पिता हैं, जैसे छोटू कुमार के पिता उमेश यादव, उन्हीं के घर पर रहने की इच्छा जताई है, तो इनके इच्छा अनुसार